नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे से परेशान हो गई है। चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में इतना बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा होना अपने आप में एक खतरा है भारत के लिए। तो दोस्तों, लेकिन भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है और तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चीन जो है वो हवा, समुद्र और ज़मीन से परमाणु हथियार दागने के लिए बहुत तेज़ी से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि वो यूएस से तनाव के बीच जमीन, हवा और समुद्र से दागे जाने वाले हथियारों पर इतनी तेज़ी से काम कर रहा है और वो इसके लिए अलग अलग मिसाइल्स बना रहा है और परमाणु संपन्न पनडुब्बियाँ और उन्हें ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। साथ ही पाकिस्तान भी चीन की तरह लगातार गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और भारत के पड़ोस में इतना बड़ा जखीरा होना भारत के लिए खतरा है। और खतरा तो है ही, पर भारत ने भी इसका जवाब देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, भारत ने भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाया है पिछले साल से। हालांकि भारत के परमाणु हथियार चीन के आधे से भी कम है, क्योंकि सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 320 परमाणु हथियार है और भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। भारत ने भी 10 परमाणु हथियार अपने जखीरे में शामिल किए हैं, और तो वहीं चीन ने पिछले साल अपने जखीरे में 30 परमाणु हथियारों को शामिल किया है। वहीं पाकिस्तान के पास भी 160 परमाणु हथियार है, जो भारत से 10 ज़्यादा है, लेकिन उनकी क्वालिटी पर भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके 2 परमाणु या 3-4 परमाणु बम भारत के केवल एक बम के बराबर हैं। जहाँ रूस और अमेरिका के चलते दुनिया में परमाणु हथियारों कि जो होड़ है वो कम हो रही है और दुनिया में इस परमाणु हथियार कम हो रहे हैं, तो चीन लगातार अपने इस जखीरे में परमाणु हथियारों को बढ़ाई जा रहा है। दुनिया के 90% जो 90% हथियार है वो रूस और अमेरिका के पास है, लेकिन पिछले साल इन्होंने भी अपने परमाणु हथियारों को घटाया है। जहाँ पर इन दोनों के परमाणु हथियार 13,865 थे, तो जो इस साल 13,400 रह गए हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पे क्या कमेंट है और चीन की इस हरकत पर, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही बने रहिएगा।